मनशापुर महावीर क्षेत्र गंग महल के किनारे स्थित जीवन आशा हॉस्पिटल में एक कामण कैंप आयोजित किया गया, जिसमें हरिद्वार से आ रहे यात्री विश्राम कर रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका हरिद्वार से लेके यहाँ तक का अनुभव कैसा रहा और इस कामण कैंप में जो उनको सेवाएं दी जा रही हैं हॉस्पिटल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या वो उन चीजों से सहमत हैं? कोई परेशानी या कोई दिक्कत किसी तरह की उनको वो है तो नहीं? तो आइए हम उनसे उन्हीं की जुबानी उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम शर्मा। कहाँ से आए हैं? हरिद्वार, हरियाणा। तो आप जल लेकर आ रहे हैं? जी। तो अभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये कैंप जीवन आशा हॉस्पिटल की तरफ से जो लगाया गया, इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया, हर एक जगह दवाई मिल रही है, सब चीज भी बढ़िया, धीरे धीरे जो भी है सब सुविधाएं बहुत बढ़िया। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? मेरे साथ में 8 लोग और हैं, तो मेरे ही गाँव बड़ौली से। जी जी। 80 बड़ौली से, सब सुरक्षित है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आ रही। इसमें योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी बहुत बड़ी कृपा है, जो बड़े अच्छा साधन कर रखा उन्होंने, लाइट का, रोड का, पुलिस प्रशासन का, आने जाने में कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो यहाँ कैंप में जो कैंप में सुविधाएं दी जा रही वो उससे कोई आपको मतलब संतुष्ट है, कोई परेशानी नहीं? संतुष्टि है। तो देखिए किस तरह से लोग इतनी दूर दूर से जल लेके भगवान को चढ़ाने के लिए और लेकर आ रहे हैं। तो ये सब एक हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति ही है, जिसने अभी इन आज की जनरेशन के भी दिलों में भगवान के लिए इतनी आस्था रखी है। तो जैन समाज को, सनातन धर्म को, सभी को बार बार नमस्कार, बार बार इन सब जितने भी हमारे कांवड़िया आ रहे हैं हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। शिवरात्रि के पर्व की इनको बहुत बहुत बधाई, जीवन आशा परिवार की तरफ से हमारे समस्त कांवड़िया भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो, और जल्द से अपने मुकाम पर पहुंचे। जय भोले की।